भाई हमें बाहर जब हम जाते थे फर्स्ट टाइम पे जम्मू मिले थे भाई, तो क्योंकि अब सर्दी में शिफ्ट हो गई थी जिस कारण ये यहाँ पे आ गए हैं, तो हम दोनों मिलकर साथ चलेंगे, बस साथ मजा लेंगे सुन लिया। बस अब निकलेंगे अम्बाला कैंट के लिए, फिर रात को अम्बाला के लिए गाड़ी मिलेगी हमें साढ़े ग्यारह जम्मू के लिए गाड़ी मिलेगी हमें, सॉरी हाँ जम्मू के लिए गाड़ी मिलेगी हमें अम्बाला से। और ये भी हमारे मल्होत्रा जी सो रहे हैं इस टाइम, आराम फरमा रहे हैं, इन्होंने अभी बहुत थकान महसूस कर रहे हैं फिलहाल। अभी कितनी देर आपने फ़ोन चलाया, अभी कितनी देर फ़ोन चलाया था? अभी कुछ कहने का मूड में नहीं है इनको, कल इतनी अच्छी खबर मिली है इनके लिए, इनकी ज़िंदगी स्वर्ग बना दी उसने जन्नत के मजे ले लियो है ना, स्वर्ग नहीं बना दी एक्टर एक्टिंग लाइफ बना दी इनकी, भाई साहब एक्टर बन जाएंगे बहुत जल्द। मल्होत्रा जी जरा ये अपने खीरे काट रहे हैं, वो नहीं दियोगे खीरे हैं? एक्सपीरियंस पता लग गया, ये भी अपना खीरा काट रहे हैं भाई साहब, ये भी अपना खीरा काट रहे हैं, ये भाई साहब अभी अपने खीरे काट रहे हैं, दो मिनट हो गए नहीं ट्रेन में बैठे हुए, भूख लग जाती है और तो की तरह। ये भाई साहब देखिए इनकी लुगाई बड़ी खुश रहने वाली है ज़्यादा हमें लग रहा है, हमारी वाली खुश रही। ये देखिए इन्हें बोला इतना एक्सपीरियंस है कि बस क्या कहें, इनकी लुगाई ना बस एक नंबर खुश रहेगी हमारी भाभी की। ये देखिए इनका निकल रहा है, उड़ उड़ के गिर रहा है, बहुत जोर से, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, क्या कर रहा है यार, ना सवारना चाह रहा है इसका, फूल गाली दे रहा गरीब यार, उल्टी से काम तो कर रहा है अपने खा जा रहा है, जहर वाला खावा, जहर वाला खावा, इधर जहर छटो पहले काम करे जी भाई, कुछ रहा है मैंने मग गए आई मल्होत्रा जी समझ गया, पहले तो मग लेने का, ये हमारे भाई साहब खीरा काट रहे हैं, खेलना नमक उठाया, ये क्या है इनकी पहले चाट की रेडी थी मैं अब इन्होंने अब गारमेंट्स का काम खोल दिया, इसने घर से लाया ये नमक, इन नमक उठाया। अभी हमने खाए थे यहाँ के छोले भटूरे, इतने बेकार छोले भटूरे यहाँ के किसी काम के नहीं, कैसे लगे छोले भटूरे? बढ़िया ही लगे, बढ़िया लगे, इतने बेकार, सच्चा हमारा सहारनपुर गया है, क्यों हरियाणा के बेकार है यहाँ के छोले भटूरे, अम्बाला के जंक्शन किसी काम का नहीं है, यहाँ पर स्टेशन बढ़िया है, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, टाइम हो रहा है अभी 7:30, हमारी गाड़ी है रात के कितने बजे की है, रात के कितने बजे गाड़ी हमारी, रात के 10:00 की है हमारी, अरे अपनी बाड़ में 10:30। अभी हमने सोचा थोड़ा सा स्टेशन पर घूम लेते हैं, अभी हमारे पे 3-4 घंटे तो है ही, कहीं ना कहीं घूम कर टाइम पास करना पड़ेगा हमें, बिना टाइम पास के नहीं खोने का ही नहीं, देखते हैं कुछ ना कुछ मिल जाए खाने पीने का, यहाँ देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर, मेरी नहीं है बेटे वो देख अपनी, अभी देखते हैं कुछ मिलता है यहाँ, तो चल आ रहा है, आया पहले टॉयलेट हो गया, आ रहे आया है आया, तो मैं आपको यहाँ की टॉयलेट दिखाता हूँ,
तो अभी हम हैं ट्रेन में, अभी हमने अम्बाला से जम्मू के लिए ट्रेन मिली, काफ़ी एक घंटा लेट आई थी बट कोई नहीं, ठीक टाइम से आ गई। और ये हमारे ऊपर महाराज जी सो रहे हैं। अब सुबह 5 बजे जम्मू उतरेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे कटरा के लिए, ट्रेन करेंगे, ओह सॉरी बस। चलो फिर सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। अभी हम पहुंचे थे अपने कमरे पे, कटरा में लिया हमने कमरा, और ये हम आपको अपना चलो जी हम जरा कुछ खा पी के आते हैं, फिर आप मिलते हैं आपसे। क्या आधा लीटर मिल जाएगा, पैकेट मिल जाएगा, बात ना करिए मूल का। चलो जी मिलते हैं आपसे हम, ये बकवास चलती रहेगी इनकी, बाय। बस ये सारे भाई साहब तो नहा लिए हैं, बस हम भी अब नहा के नहाने चलते हैं, नहाने बाद हम करेंगे सीधा चढ़ाई ऊपर की तरफ, मिलते हैं। सो नाइस, हो गए हम तैयार नहा धोकर, बस अब हम तैयार हो गए, अब जाएंगे हम नाश्ता, पहले नाश्ता करेंगे, पहले हम नाश्ता करके सिम लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये मान्यता है कि जो आता है सिम लेनी पड़ती है, सिम लेनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे आके फोन आपका खिलौना है, वरना नेटवर्क नहीं मिलता, वरना का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे लेके आने का, इसलिए हम। सो गाइस हमारे पूरा इंतजाम करके आए, ठीक है जी। तो हम अभी जरा नहा लिए हैं, अब हम ड्राई करेंगे, अब यूज करेंगे वहाँ, हमारा ड्रायर भी तैयार हो चुका है, हमारा पोर्टफोलियो शूट होगा आज, देखिए सर ये हमारा ड्रायर मरेंगे, जरा थोड़ा सा हम दिखा भी देते हैं मार मोरिया हमारे टीम से कोलैबोरेशन करने के लिए। ये हमारे बाल कुछ ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, ये भाई साहब ने आज बढ़िया फेस वॉश लगाया अपने मुँह पर, तो चलो हम अभी तैयार हो लेते हैं, फिर हम मिलते हैं आपको सीधा होटल पे।
ये हमारे थोड़े भाई साहब है, ये थोड़ा एक्टर है भी थोड़ा, ये छोटे ब्लॉगरों की वीडियो में कम आते हैं। कोई नहीं, हम भी जरा मिलियन कर लेंगे थोड़े टाइम में, तो ये भी हमारी वीडियो में आएंगे, कोलैब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बड़े यूट्यूबर हो गए फिलहाल, ये 105 सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं, हम 70 वाले हैं, इनको क्या कहने भाई साहब के। चलो चलो हम मिलते हैं अभी थोड़े देर में होटल पे, तब तक के लिए बाय। ये हमारे प्रो डांसर हैं। अलग बात है इसके दिमाग में थोड़ी सी कमी है, कोई बात नहीं। अच्छा 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 हाँ चल रहा दोबारा। अरे प्रो को करो डांस भाई। ये भाई साहब फ्री के रूम में रह रहे हैं, पैसा 1 रुपया नहीं दिया। अभी हमारा खाने का वेट हो रहा है, अभी तक खाना तो आया नहीं है। कैसी भूख लग रही है आपको सर? हमें बहुत तेज भूख लग रही है, पर हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा था भैया, क्योंकि लॉकडाउन में यहाँ भी मेरी चाहिए, जब यहाँ पे आए खाना खा के आए। कहाँ है यार, कुरकुरे खा खा के काम चला रहे हैं। हमारे 10 रुपये से मिलता है, यहाँ पर 20 रुपये से मिल रहा है, आपको देख सकते हैं आप प्राइस। कोई बात नहीं, कंट्री भाई का है, एक ही दाना के लिए नुकसान हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। कभी हम खाने जम्मू में भी हमला हुआ है, जिसके कारण हमारी ट्रेन 1 हफ्ता रद्द हो गई, हम 1 हफ्ते बाद आपको मिलने आएंगे। 1 हफ्ता बसेरा बन, ये देखिए जरा क्या चल रहा है अभी। इनिप है, इनिप भी है। ये मेरा दोस्त प्रिंस नाच रहा है, ये देव नाच रहा है, ये रहा प्रिंस, ये देव कानपुरिया। सब हमारा आ चुका है खाना, खाने के लिए आया, हमारे आए हैं आलू के पराठे दही आई है, अचार, चाय। सो अब खाना खाएंगे, फिर हम अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। मैं एक बार खाना दिखा देता हूँ वो क्यों मेरी शुरू कर दी बाबर यहाँ 3 बार आ गए। ये हमारा आलू के पराठे आए हैं, चार इसके अंदर हमारे चाय, और ये हमारा पानी पड़ा हुआ है, और ये हमारे वेटर साहब हैं। सस्ते वेटर हैं हमारे, कोई नहीं, चलो खाना खा के मिलते हैं हम आपको, बाय। तो अब हमने वही मेरे पैसे भाई, अब हमने खाना खा लिया, अब हम निकल रहे हैं चढ़ाई करने के लिए। चाय बहुत अच्छी है, चाय तो यहाँ की 1 नंबर। भाई साहब ने तो एक गुट भी नहीं पिया, इतनी मस्त चाय थी, बस फैन होगा सारी यही पी गए भाई साहब, मन मार के पैसा लगा नहीं पी। ये दिखा दे तो बस अब हम निकल रहे हैं, मिलते हैं आपको बाहर। हेलो कैसे हो सब, अब हम आपको बाणगंगा के बारे में बताइए, क्या महत्व जाएंगे आपको दिखाई गया। बाणगंगा में माता रानी ने पहला अपना कदम से चली थी, माता रानी पहला कदम माता रानी का चरण पदुका में चल था। माता रानी कुंवारी में 9 महीने रही थी, जिन्हें बाणगंगा के बारे में बताओ यार, बाकी का बात की बात है। बाणगंगा में ऐसा हुआ था, मेरे मित्रों माता को प्यास लगी थी, प्यास लगी थी, तो हनुमान जी ने खुद आके अपने त्रिशूल से मार के धरती में से पानी निकाला था, इसे उसका नाम बाणगंगा रखा गया। और दूसरा स्टॉप जो था चरण पदुका, वो हम धीरे धीरे बताते रहेंगे जैसे जैसे हम पहुंचते रहेंगे। ठीक है चलो अभी हम चलते हैं, अभी बाहर आपको मिलते हैं, बाणगंगा पे मिलते हैं सीधा, वहाँ के बारे में बताएंगे कैसा है। तो अभी हमने शुरू कर दिया चढ़ाई, अभी हम पहले कहाँ जा रहे हैं? बाणगंगा जा रहे हैं अभी हम। इसकी और खोल भाई उड़ोतरा जी, पहले हम कितना टाइम लगेगा बाणगंगा जाने में? बाणगंगा में भैया हमें पूरा 1 हॉर्स लगेगा, बिकॉज 1 हॉर्स 1 घोड़ा लगेगा अभी हमें जाने में। बारिश सीजन पर, हाँ यहाँ बारिश बहुत हो रही है, तो आप आए तो अभी सिक्योरिटी पूरी करके आए, किसी को यहाँ फंस रहा है। हाँ यहाँ पर अगर आप आएँ तो कोविड टेस्ट नेगेटिव भी लेकर आएँ, और
हो गया ये यात्रा पर्ची पहले निकलवा लिया। हाँ जी हमने भी निकलवाई। अब हम देखिए आपको बैटरी कार भी दिखा सकते हम बैटरी कार करेंगे तो बैटरी कार करनी कर लेंगे देखते हैं अगर बैटरी कार भी होती है तो अभी कर लेंगे। जय माता दी जय माता दी। अभी इधर जरा शेड खत्म हो गई बारिश आ रही है इसलिए हम रोक देते हैं। मैं आया शेरा वाले तूने मुझे बुलाया शेरा वाले अभी फिर से हमने सीढ़ियाँ चलनी शुरू हो गई ये लगभग 360 सीढ़ियाँ और इनके हिसाब से हमें अभी 5 घोड़े लग जाएंगे ऊपर चढ़ने में। चलते जा रहे हैं चिराग बाबू देख तो ले भाई बहुत ज़्यादा है जी। हाँ 70 हो गई ना भाई 70 है 30-40 भी नहीं हुई अबे ये 15 है भैया बहुत ज्यादा सीढ़ियाँ अभी क्योंकि बड़ी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
से एक दो शुरू कर दे। ये अभी हमें यहाँ तक आ चुके हैं और ये नीचे से पूरा कश्मीर दिख रहा है। कश्मीरी गए नहीं, कटरा पूरा कटरा दिख रहा है। ये पूरा आपको दिख रहा पूरा कटरा है। ये अभी हमें इससे डबल ट्रिपल और ऊपर चढ़ना है। और यहाँ देखिए सारा बादलों में छुपा हुआ है, पहाड़ भी कुछ दिख नहीं रहा आगे का। और अभी हमें आपको दिखाता हूँ ये जो रास्ता सा जा रहा है ये वाला, हमें यहाँ से होके निकलना है अभी। चलो ये वो मार्केट है जहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि आग लग गई थी। देखो यहाँ सारा जला हुआ है, ये देखिए ये दुकानों का क्या हाल हो गया है। ये मार्केट थी यहाँ पे जो जिसमें आग लग गई थी अभी थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ आई थी। ये देखो क्या हाल हो गया यहाँ पे, सारा सब जल के राख। देखो ये देखो यहाँ पे सारा जल गया, कुछ बचे ही नहीं। इतनी अच्छी मार्केट होती थी यहाँ पे, आज सारा खाली है यहाँ पर। एक टाइम पर इतनी भीड़ रहती थी, देखो आज सिर्फ बंदर ही बंदर दिख रहे हैं हमें। देखो पूरा खाली पड़ा। और ये देखो ये बंदर ही बेचारा बोर हो रहा है, करे तो करे क्या। ये देखिए यहाँ से कितना मस्त व्यू दिख रहा है, सारे बादल ही बादल हैं दूर दूर तक। इस पे चढ़ के दिखाता हूँ मैं, ये देखिए कितना मस्त व्यू है। पूरा बादल ही बादल दिख रहे हैं हर जगह। तभी हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी में। फिलहाल तो ये बंद पड़ी हुई है, दिखा देते हैं। ये बंद पड़ी हुई है फिलहाल तो कोविड की वजह से, अब बाद में खुलेगी फिर कभी आएंगे जब। ये देखिए अर्धकुंवारी सारी बंद है। यहाँ पर माता 9 महीने रही थी भैरव बाबा से छुपने के लिए। यहीं पे वो गुफा है, यहाँ पर है वो गुफा। फिलहाल वो बंद है कोविड की वजह से, कोविड इंफेक्शन। वैसे ये असली गुफा नहीं है, असली गुफा दूसरी है, बट वो तब खुली जाती है जब 2000 से कम यात्री आते हैं। बट ये दूसरी गुफा बनाई हुई है। अगर ऊपर वाले ने चाहा होगा तो हमारे भी दर्शन हो गए आज। किस्मत वालों को उस गुफा में दर्शन मिल पाते हैं। हमें मिले हुए 2 बार, हमें नहीं मिले आज तक। हमें मिले हुए इस वाली गुफा में 1 बार ही आए थे, बट आज बंद पड़ी है। कोई नहीं, बैड लक। हमने वैसे भी दर्शन कर लिए, हम दोबारा जा नहीं सकते क्योंकि एक ही बार इसमें जाया जाता है। इसमें एक ही बार जाते हैं लाइफ में, दूसरी बार नहीं जा सकते। अभी हमारा एक भाई है वो आज तक नहीं गया, उसे जाना था बट बंद। पिछली बार आया था, पिछली बार खुली हुई थी बट पिछली बार टाइम कम था हमारा पास, इसलिए जा नहीं सका। इस बार फिर रह गया। और ये देखिए हम कितना ऊंचाई पे आ गए हैं। फिलहाल ये पूरा कट रहा है,
और उस साइड पाकिस्तान भी है, पर बहुत दूर है यहाँ से दिखने का भी नहीं। ये देखिए पूरा कटरा, उधर से आओ भैया, ये देखिए पूरा बादल ही बादल है, हेलीकॉप्टर भी उड़ रहे हैं। बट हमने गलती कर दी, हम आगे आ गए थे, बट हमें गुफा में से निकल के आना था इस वाली, अभी निकल के आते हैं दोबारा हम। ये भवन जाने का रास्ता है, ये गुफा एक, हमें इसमें से निकलना था बट हम दूसरे रास्ते से चले गए थे, जैसे दोबारा वापस आ गए, हमें दोबारा जाना पड़ रहा है। चल रहे हम दोबारा, अभी हम चल ही रहे हैं, अभी हम बहुत रास्ता रह रहा है अभी हमारा जाना। कितना किलोमीटर रह गया अभी? 3.5 किलोमीटर अभी, 20.5 रह गया है यहाँ, 3.5 यहाँ से देख लीजिए, अभी बहुत ऊंचाई पे आ गए फिलहाल तो। यहाँ पर अभी हमें दिखाया, कुछ दिखाता हूँ मैं आपको, ये मेरा दोस्त बैठा हुआ है यहाँ पर, अब जो है अपने आप समझ लेना कौन सा दोस्त है। ये देखिए बस थोड़ा सा रह गया, आज हमारे कैमरामैन को बुखार हो गया था तो दूसरे देखिए बस ये थोड़ा सा रह गया सफ़र, ये हम पूरा कर लेंगे बहुत जल्द। अभी चल रहे हैं यहाँ से, देखिए व्यू बस बहुत बढ़िया लग रहा है, हम पूरी चढ़ाई कर चुके हैं, बस आने वाला है भवन, सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह गया है। देखिए यहाँ से भी हमें सीधा चढ़ना है, तो बस अब हम पहुँच गए हैं अपने दरबार पे। ये देखिए थोड़ा सा रह गया, ये रहा अपना दरबार आ गया, उसके बाद हमें ऊपर भैरव के दर्शन के भी जाना है। एक सेकेंड, यहाँ मास्क लगा ले, हम चेक पोस्ट आ गया, तो अभी हम ले रहे हैं प्रसाद। अभी हमने ले लिया है प्रसाद, भाई रोपे बंद जमा दिए, हाँ चल रहे हमने प्रसाद ले लिया है, हमने यहाँ पे हम चढ़ाते हैं प्रसाद, फिर चलते हैं हम आगे। अभी रोपे में जाना है, 5 बजे बंद हो जाता है वो, प्रसाद जल्दी इशू पकड़ाते चलते हैं। अभी हम बैठे थे खाना खाने, तो आगे नहीं है, हम बैठे थे अब आया है खाना, सागर रत्न में बैठे हुए हैं और ये खाना आया हमारा, तो खा के हम करते हैं आगे, भैरव के दर्शन करने जाना है आगे। अभी अभी अगर पॉसिबल हुआ तो रोपे भी खा देंगे हम आपको, तब तक के लिए बाय। सो अभी हमारा खाना तो हो गया है, बस अब हम जा रहे हैं रोपे में, अगर रोपे मिलता है ठीक है, नहीं तो पैदल चलना पड़ेगा हमें, तो देखते हैं क्या होता है। हम चल रहे हैं और यहाँ जैसे हम जाने लगे वैसी बारिश आ गई, अभी देखते हैं वो मिलता नहीं मिलता हमें रोप पे, अगर मिल जाता है तो हम दिखाते हैं, चलो देखते हैं क्या होगा। सो हमें रोप पे की टिकट मिल गई, ये रही इसकी टिकट, देखते हैं फर्स्ट टाइम चल के कैसा लगता है, फोटो तो खींच भाई मैं उतरा किसी भी खींच दियो भाई। रोप वे का रूट यहाँ से हम बैठेंगे एंड ऊपर जाएंगे,
सकते हैं अगर लॉकडाउन ऑफ ना हुआ तो। तो बस हमें कोविड के इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करने हैं। फोटो आने वाली, अच्छा हाँ फोटो आने वाली है। और कल की हमारी ट्रेन है कल रात के 10:25 की, नहीं 2-3 लगे। उसके बाद अगर होटल में वाईफाई सही चला तो व्लॉग आज भी एडिट हो जाएगा थोड़ा बहुत। बाकी सहारनपुर तक का भी रह रहे हैं अभी, उसे भी अपलोड करें, नहीं अपलोड है नहीं उसे शूट करना है, फिर उसे एडिट करके अपलोड करेंगे। तो चलो सीधा होटल में मिलते हैं अभी। देखो चलो मैं सर मत वो भी लोग आ रहे हैं और हम उतर रहे हैं, बहुत जा रहे हैं। ये तगड़ा व्लॉग बनाया, ये छोटा व्लॉग बनाया, इतना मस्त क्रॉप हो गया यार। हमने जब हम फर्स्ट टाइम आए थे हमने कितना टाइम लिया था चढ़ने में, फर्स्ट टाइम जब हम आए थे तब हमने लिए थे 8 घंटे चढ़ने में। टाइम हमने सिर्फ 4 नहीं 4-5 घंटे नहीं नहीं पहले हमें लगे थे 8 घंटे, उसके बाद लगे थे हमें जब सेकंड टाइम आए थे 5 घंटे, अब 3 घंटे, उसके बाद फिर धीरे 2 घंटे, उसके बाद सिर्फ 2 मिनट भी लगेंगे वो भी सिर्फ हेलीकॉप्टर से। वैसे नहीं अगर आप हेलीकॉप्टर जाना चाहे तो आप ऑनलाइन कीजिए, 1800 रुपये टिकट भी है, और अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो उसकी 280 रुपीज़ है, और अगर आप रोप वे में जाना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ ओनली, आना जाना दोनों। अभी भाई साहब ने गालियाँ खाई है बहुत खाई है गालियाँ कि आपके पास ज्यादा पैसे तो आप हमें जमा करवा सकते हैं, पर गांधी जी ने कहा नहीं अभी है नहीं, अभी हम यूट्यूब से आगे फिर चलाएंगे जब लोग से पैसे आएंगे ना उसको भेज लो। तो चलो अब हम सीधा होटल पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बने रहे। यही हाँ जी बकरियाँ चढ़ी कैसे होंगी ये नहीं पता। चलो अब हम आ गए हैं नीचे थोड़ा सा, और ये भाई साहब को फोटो खिंचवानी है अभी फिलहाल, ये हमारे खिंचाई है योगी जी के साथ फोटो, ये हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। यार हम भी खिंचवा लेते फोटो अगर बहुत की, तो अंकिता अरे भाई चलो यार अंकित होती ना यहाँ इसमें उसके साथ फोटो खिंचवा लेता मैं। हाय गाइस कैसे आप सब, अब हम आपको दिखाएंगे कि हम पैकिंग कर रहे हैं अपनी होम टाउन जाने के लिए। हम अपने होम टाउन के लिए निकलेंगे, हम 12 PM पे हम रूम चेकआउट करेंगे यहाँ। वाराणसी से जम्मू तवी जाने वाली, नहीं जम्मू तवी से वाराणसी जाने वाली, देखते हैं अगर इसमें हमें मिलती है सीट तो, नहीं तो रात को 10 बजे पकड़ेंगे वापस अपनी ट्रेन। चलो देखते हैं। सहारनपुर पर हमने अपना व्लॉग यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।